ये है वक्त मीडिया और आप ही के दयार के आप ही के महबूब शायर को मैं दावत देने जा रहा हूं दोस्तों, जो सरजमीने मेरठ से हमारे इस शहर इकला में तशरीफ लाया है, मैं उसकी खिदमत में ये अशार पेश करते हुए उनको दावत कलाम देता हूँ। कहता हूँ कि अगर मैं दिल में मोहब्बत को पाल सकता हूँ, अगर मैं दिल में मोहब्बत को पाल सकता हूँ तो तेरे दिल से भी नफरत निकाल सकता हूँ। निकालने के लिए इश्क के हसीं गोहर मैं तेरे दिल का समुंदर खंगाल सकता हूँ। जनाब फैसल मेरठी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन कलाम से हमें नवाजे, पुरजोर इस्तकबाल करते रहें। वक्त मीडिया से शफीक भाई यहाँ कवरेज कर रहे हैं, एक बार मुशायरा कमेटी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। लगे लगे भाई अब बेदार बैठे हैं, मतलब पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। पेश करें मोहतरम। इन अंधेरों का कुछ न डर होगा, इन अंधेरों का कुछ न डर होगा, इन अंधेरों का कुछ न डर होगा, इन गोशे में वो अगर होगा, वाह वाह वाह, दिल के गोशे में वो अगर होगा, क्या कहना है भाई। वाह वाह, और शेर भी देखिएगा शाद भाई, उसके चश्मे करम है जब मुझे पर, उसकी चश्मे करम है जब मुझ पर, उसकी चश्मे करम है जब मुझे पर, एक एक जहर बेअसर होगा, एक एक जहर बेअसर होगा। कारी हज़रत साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। पेश करें मोहतरम। गम में रोना खुशी में हंस देना, गम में रोना खुशी में हंस देना, ये तमाशा तो उम्र भर, क्या कहना है भाई। वाह वाह वाह, ये तमाशा तो उम्र भर होगा। वाह वाह, ये वाला महला बड़ा बेदार है, लगता है कि ये सोए हुए बैठे हैं। अब के इनको देखता हूँ, अगर आप वाकई सो रहे हैं तो मुझे शेर पर मैं देखता हूँ क्या बेदार बैठे हैं या सोए हुए हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं जी, अता करें मां। दिल के गोशे में वो अगर होगा, क्या कहना
वसीम जिंजानी साहब बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं। नफरतों के इस दौर में मोहब्बत का एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहज़ा फरमाए। अंजुमन कारवाने अदब के हवाले से शेर, कारवाने मोहब्बत, अंजुमन कारवाने मोहब्बत के बैनर तले प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है, इसके हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाहज़ा फरमाए। मैं मोहब्बत हूँ मेरा अफसाना, मैं मोहब्बत हूँ मेरा अफसाना, मैं मोहब्बत हूँ मेरा अफसाना। पढ़ते रहिए ना मुख्तसर होगा, पढ़ते रहिए ना। आपने मोहब्बत को का जिक्र किया तो ये मोहब्बत करने वालों का दिल धड़कने लगा। दोस्तों, आपने मोहब्बत की महफिल में, कारवाने मोहब्बत की इस महफिल में मोहब्बत का शेर पढ़ा तो मोहब्बत करने वाले जियाले यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपनी तालियों से, अपनी दुआओं से आपको नवाजा है। पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। देखिए, वाकई में डर रहा था इस गजल को पढ़ते हुए, क्योंकि अब से पहले मैंने आपको बहुत चटपटी चटपटी गजलें जुल्फ रुखसार की बातें में कर करके गाया। कुछ नौजवान उसी की अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम मैं वो पढ़ूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं इस गजल का एक शेर और पढ़ता हूँ, मुलाहज़ा पेश करें मोहतरम। मैं मोहब्बत हूँ मेरा अफसाना, क्या कहना है भाई। मैं मोहब्बत हूँ मेरा अफसाना, पढ़ते रहिए ना मुख्तसर होगा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। देखिए फैसल साहब, उस्ताद शायर जावेद आसिफ साहब ने आपको अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से नवाजा है। बहुत ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, जावेद आसिफ साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। और जिस शेर के लिए मैंने गजल छेड़ी है, आइए उस शेर भी आपकी अदालत में रखता हूँ, मुलाजा फरमाए। अता करें मोहतरम। जिंदगी तब ये जिंदगी होगी, वाह वाह, खास तौर से डाइस की जिंदगी तब ये जिंदगी होगी। सुने दोस्तों, जिंदगी तब ये जिंदगी होगी, उनके कूचे से जब गुजर होगा। अरे क्या कहना है, क्या कहना। उनके वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। जब गुजर होगा, बहुत अच्छे भाई। लगता नहीं कि वो फैसल, क्या करना। मुझको लगता नहीं कि वो फैसल मेरी हालत से बेखबर। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। मेरी हालत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहना है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दोस्तों। दोस्तों, ये थे फैसल मेरेडी साहब, जो अपने अशार के जरिए आपके दिलों को धड़काने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।